नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं जेके एडुटेक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैंसिल चेक कैसे बनाते हैं, यानी कि हाउ टू क्रिएट अ कैंसिल चेक। कैंसिल चेक की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों? अगर आपको अपना सीएससी केंद्र लेना है, यानी कि कस्टमर सर्विस सेंटर को अगर आप ओपन कर रहे हैं, और वहाँ पर आपको एक कैंसिल चेक की आवश्यकता पड़ती है। तो कैंसिल चेक कैसे बनाते हैं, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल जेके एरोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो चेक है आपके सामने, ये है भारतीय स्टेट बैंक का चेक। इस चेक को कैंसिल बनाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं कि लिख देते हैं CANCELED कैंसल, और जो है एक ऊपर लाइन ड्रा कर देते हैं और एक नीचे, ठीक है। और ये दोस्तों बस छोटा सा काम है, और ये दोनों लाइन के बीच में लिख देते हैं कैंसिल कैपिटल लेटर में, तो जो हमारा चेक होता है वो कैंसिल चेक बनके तैयार हो जाता है। ये जो भारतीय स्टेट बैंक का है, यहाँ पर पेई का नाम लिखा होता है, यानी आप किसी को अगर रुपए प्रदान कर रहे हैं, किसी को रुपए अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने अकाउंट से चेक के माध्यम से, तो जो ये लिखा है पे, यहाँ पर उसका नाम लिखना होता है, और नीचे रुपए, यानी कि यहाँ पर आपको उसे कितना अमाउंट पे करना है वहाँ पर आपको शब्दों में लिखना होता है। और जो ये लिखा हुआ है कॉलम अदा करें, इसमें जो है अंकों में लिखना होता है, और यहाँ पर जो है किस डेट को उसको पे करते हैं उस डेट को यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका अकाउंट नंबर होता है, यहाँ पर जो है नीचे जो है चेक नंबर होता है, और यहाँ पर जो है आपका अकाउंट होल्डर का नाम होता है। जैसे कि मेरा नाम है जितेंद्र कुमार चौधरी, और मैंने मेरा जो अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसी नाम से है, ठीक है। तो इसको फिलअप करने के लिए यहाँ पर जो पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जिसको हम पैसे दे रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, और कितने पैसे दे रहे हैं ये रुपये वाले कॉलम में उसको शब्दों में लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है अदा करें अंकों में लिखते हैं, और यहाँ पर डेट डाल देते हैं, और यहाँ पर साइन कर देते हैं। बहुत ही दोस्तों बहुत ही ईजी है इसको करना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।